एक दिन बाद एक दोनों का मौत हो गया। ऐसा हो गया कि रोजी जो सोमल का आंटी है तो उसको बहुत सीरियस हो गया था रात में 23 नाइट में। तो हम रोजी को उसका अंकल सैमुएल, उसका नेफ्यू और उसका अंकल मतलब उसका भाई, तो उन लोग लेके उसको गया उधर में हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में गया तो उन लोग देखा है कि ब्लड हीमोग्लोबिन कमती है, तो ऐसा बोल के उन लोग आईसीयू में रखा है। तो आईसीयू में रखा है, उसको ऑक्सीजन लोग दिया है। तो उसका पेन बहुत था लेफ्ट साइड में, बहुत पेन था रात में, हाथ में और पैर में, लेफ्ट साइड में बहुत पेन था। तो इसका पेन का वजह से हम लोग उसको लेके गया उधर में। तो लेने का वजह से उन लोग बोला ठीक है ऑक्सीजन देगा, आईसीयू में रखेगा तो हम लोग को अच्छा हो जाएगा। तो एक बार तो आईसीयू में उन लोग रखा है, तो बोला ठीक है लगाने के बाद में देखते कैसा होता। तो रखा 3 बजे लेके गया था, तो लगाने के बाद में ऐसा हो गया कि वो थोड़ा नॉर्मल हो गया, सुबह तरफ में नॉर्मल हो गया। तो पेन लोग चला गया, तो पेन जाने के बाद में उन लोग बोला है कि ये शाम तक ठीक हो जाएगा, अभी ठीक है नॉर्मल है। तो ऐसे बोल के बैठा, तो भाई जो उसका बड़ा भाई है अल्बर्ट और संगमा, वो क्या किया, वो खाने के लिए चला गया। बोला हम थोड़ा खा के आएगा, रात भर खाया नहीं है तो टायर्ड हो गया। तो लड़का सैमुएल को उन लोग बोला थोड़ा मेडिसिन लेके आओ, क्योंकि वो बाहर चला गया। तो ऐसा बैठने टाइम में उन लोग क्या किया, बोला है उसको आके देखा है तो वो आइसक्रीम खा रहा था। तो आइसक्रीम मतलब कौन मंगा के? तो हॉस्पिटल वाला लोग लाके, हॉस्पिटल स्टाफ वाला लोग उसको आइसक्रीम दिया, रोजी को दिया आइसक्रीम खाने के लिए। तो मेरा जो उसका भाई है, बड़ा भाई है अल्बर्ट, वो आइसक्रीम को फेंक दिया। तो फेंक दिया और फिर सैमुएल को बुलाया, तो बोला फेंक दिया, फेंक दिया। फिर आइसक्रीम को बोला आईसीयू में क्यों आप लोग आइसक्रीम खिला रहे हैं, तो ये आइसक्रीम खिलाने का राइट नहीं है, आप लोग आइसक्रीम खिलाया। तो उसका बाद में वो आइसक्रीम खाने के बाद में बहन तो पूरा सीरियस हो गया, तो उसको तो फोमिंग निकल रहा था, आवाज़ भी नहीं निकल रहा, बहुत सीरियस हो गया। तो इसका वजह से फिर सैमुएल गुस्सा से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लाइव वीडियो बनाया। तो वीडियो बनाने में हॉस्पिटल अथॉरिटीज उसको पीछे से मारा है, उसका वीडियो भी छीनने की कोशिश किया। तो डॉक्टर के हाथ में जो एक तो डॉक्यूमेंट था वो मांगा है, उसको दिखाओ बोला है, लाइव वीडियो में पूरा दिखा रहा है वो, तो उन लोग नहीं दे रहा है, डॉक्यूमेंट को लुका दिया। तो ऐसा करके उन लोग उल्टा चार्ज कर रहा है, तुम लोग क्या जानता है। तो ऐसा करके झगड़ा करने के टाइम में लाइव वीडियो उसको ब्लॉक कर दिया थोड़ा बाद में। तो ऐसा करके आंटी को देखा तो थोड़ा बाद में आंटी सीरियस हो गया, अल्बर्ट देखा तो मर गया वो। तो ऐसा करके हॉस्पिटल अथॉरिटी से झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो ऐसा होने के बाद में उन लोग इमीडिएटली मोर्चुरी वैन को बुला दिया। तो मोर्चुरी वैन को क्यों उन लोग बुलाएगा, फैमिली आदमी को नहीं पूछ के मोर्चुरी वैन बुलाने का राइट भी नहीं है उन लोगों। तो उसमें देती इज देर सम फॉल प्ले, गड़बड़ कुछ है इसलिए उन लोग ऐसा किया। तो वीडियो भी बंद कर रहा था, पेपर भी नहीं दिखा रहा था, कागज़ नहीं दिखाने का मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ नहीं होने से, सच होने से उन लोग कभी नहीं करेगा। तो ऐसा करने के बाद में तो जब वैन आया मोर्चुरी वैन, हमारा वो साला अल्बर्ट वो उसको रिकॉर्डिंग किया, बुलाने को बोला है वीडियो में, देख आप लोग अगर बॉडी लेके जाएगा तो हम लोग उसको वायरल कर देगा, हम लोग हमारा वैन को यहाँ मार दिया है, हम लोग जब तक पुलिस नहीं आएगा नहीं कर जाने नहीं देगा। तो वैन वाला लोग बोला है ठीक है नहीं नहीं जाएगा हम लोग, आप लोग पुलिस बुलाओ। तो पुलिस आने के बाद में सेक्टर 10 का पुलिस आया है, तो पुलिस के साथ बात किया है उन लोग। तो बाद में पुलिस लोग बॉडी को शिफ्ट किया, उसके बाद में सैमुएल तो वहाँ से हट गया। तो ऐसा करके वो अब अंकल का साथ में भी नहीं गया, बहुत डिप्रेस हो गया, मन दुख हो गया। ऐसा करके वो बुलाया, फिर भी स्टूडेंट यूनियन लोगों को बुलाया, नगर स्टूडेंट यूनियन लोगों को बुलाया, सुमित स्टूडेंट यूनियन दिल्ली, तो उन लोग भी आया। उन लोग ऐसा करके मीटिंग किया, उन लोगों सैमुएल तो उन लोगों को छोड़ के चला गया। तो ऐसा करके पुलिस लोग आके बॉडी लेके चला गया पोस्टमार्टम करेगा बोल के। तो उन लोग बातचीत कर रहा था उस टाइम में, कैसा करेगा बॉडी को ऐसा रिपोर्ट। तो उस टाइम सैमुएल अलग चला गया, उसको होटल में चला गया जो कंपनी होटल में काम करता था, तो उधर में चला गया। तो बाद में स्टूडेंट यूनियन लोग उसको कॉन्टेक्ट किया, वैसे कांटेक्ट किया तो फिर भी वो बोला हम फाइट करेगा। तो उन लोग बोला ठीक है बॉडी को हम लोग हेल्प करेगा, तुम्हारा आंटी का बॉडी को हम लोग नागालैंड भेज देगा, सुजन इन लोग बोला। तो ऐसा करने के बाद में फिर भी वो बोला हम लास्ट तक होने से भी नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा करके 24 नाइट में भी ऐसा बातचीत हुआ है, और 25 मॉर्निंग में भी सैमुएल हमको डिप्रेस था, मन दुख था, ऐसा ऐसा हुआ है, हम नहीं छोड़ेगा हॉस्पिटल, हमको 5:30 में फ़ोन किया। तो 5:30 में फ़ोन किया है तो बोला है हमारे आंटी को इन लोग मार दिया, आइसक्रीम खिलाया, सीरियस कर दिया, हम नहीं छोड़ेगा हॉस्पिटल को, केस हम लास्ट तक अकेला होने से भी करेगा। तो ऐसे बोलने के बाद में फिर मम्मी के साथ भी बातचीत हुआ। तो मम्मी के साथ बात होने के बाद में भी मम्मी को भी बोला है ऐसा ऐसे है, ऐसा हम तो नहीं छोड़ेगा। तो ये लड़का इतना फाइट करेगा बोलने वाला लड़का, फिर एक घंटा आधा घंटा का बाद में उसका खबर नहीं मिल रहा था। तो हम लोग फ़ोन कट ऑफ हो रहा था, तो उसका मम्मी कॉन्टेक्ट किया उसका दोस्त लोग के साथ में, दोस्त लोग जाके फिर रूम में उसका देखने की कोशिश किया, तो जाके देखा तो हैंग हो गया था। तो ऐसा करके खबर दिया। तो हम यही बोलना चाहता है कि
जो लड़का इतना फाइट करना चाहता था उसका उसको हैंग कैसे हो गया, सुसाइड केस बोल रहे। लेकिन हम लोग यहाँ में जब बॉडी लाया, उसका बॉडी में पूरा इंजरी मार्क्स है, उसका दांत भी टूटा हुआ है, उसका फेस भी फुला हुआ है, लिप्स भी तोड़ के रखा है, पैर में भी इंजरी है। एक सुसाइड केस में ऐसा इंजरी मार्क्स नहीं होता, हम लोग भी जानते हैं। तो ये हम लोग जानता है ये मर्डर केस है। तो हम लोग चाहता है नागालैंड गवर्नमेंट हो, इंडिया गवर्नमेंट हो, और NGOs लोग है, स्टूडेंट यूनियन लोग, सब आप लोग प्रेशर दीजिए इनका ऊपर जी, ताकि हमका लड़का को जस्टिस मिले। कि हम लोग ये मर्डर केस है बोल के हम लोग पूरा फुली हम लोग को डाउट है। हम लोग नहीं चाहता ये सुसाइड केस है बोल के आप लोग क्लोज कर देगा, केस खत्म कर देगा। जस्टिस मिलना चाहिए, रोजी आर संगमा को भी जस्टिस मिलना चाहिए, समल को भी जस्टिस मिलना चाहिए। हम इतना ही बोलना चाहते हैं मेरा तरफ से। अच्छा, जो सैमुअल जो आप जो कंपनी का होटल में था जी, होटल में था, तो वो कंपनी वाला लोग की तरफ से कुछ ऐसा रिस्पांस आया है? कंपनी तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं है, क्योंकि वो कंपनी तो फिर मालिक लोग लेके रखा है, लेकिन क्राइम ब्रांच वाला लोग आके उधर में पूरा सील कर दिया और बॉडी लेके गया, उसका जो निशान लोग है मोबाइल लोग सब लेके चला गया। तो होटल का तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो फिर जो हॉस्पिटल में रोजी का डेट हुआ, हाँ, उसका तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन वहाँ का पुलिस लोग को इंक्वायरी कुछ ऐसा? पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी इतना कुछ नहीं किया उन लोग। तो इसलिए हम लोग यही चाहता है कि इंक्वायरी अच्छा से हो, ताकि झूठ मूठ का सिर्फ ऐसे ऐसे सिंपली मर गया वो नहीं केस होगा, ताकि असली सच्चाई निकले, हॉस्पिटल वाला का क्यों नेग्लिजेंस से वो मरा है बिल्कुल। यही हम लोग अपील करना चाहते हैं, ताकि हम लोग को जस्टिस मिले कि झूठ मूठ का ऐसे ले गया मर गया, आइसक्रीम ऐसे खाने से आदमी हॉस्पिटल में मर गया, ये तो हॉस्पिटल फुली नेग्लिजेंस है, ये कम्प्लीटली नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द डॉक्टर्स। बिकॉज वी नो इन ICU वी डोंट टेक एनी वाटर, इवन वन ड्रॉप ऑफ वाटर इज नॉट गिवन टू ए पेशेंट। सो वी वांट फुली जस्टिस, वी वांट द फुल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और दिल्ली पुलिस और इंचार्ज ऑफ दैट एरिया टू फुली डू द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट द डेथ ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस ऑफ रोजी आर संगमा एंड ऑल्सो द सुसाइड केस ऑफ सैमुअल वेयर दे आर जस्ट डिक्लेयरिंग इट एज ए सुसाइड विच वी डोंट बिलीव एज पेरेंट्स वी विल नॉट बिलीव because he was a boy who could make a live video and then he can directly challenge the whole hospital authority in a state of Delhi. So we want full justice and we want full investigation, clear cut investigation, so that nothing is hidden, nothing is confidential and everything comes clear, so that the people of North East can believe the government of India and the Delhi government that they are safe in Delhi. We don't to think that we are aliens in that Delhi. We want justice for all our Northeastern brothers and sisters, like my son and my sister-in-law Rosie. So I just want to tell that everybody kindly give the pressure to the government of Haryana and the Delhi government and Delhi police, and request them to do the needful and find out the truth behind all these things, which I think it should not go just unnoticed, like other cases of the Northeast people. I don't want their just bodies to come and just suicide or just a mysterious circumstances death. I don't want this type of report. We want fully justice, because North is a part and parcel of India, and the whole India should know that. So I just want to tell that we want full justice in case of Samuel as well as Rosie. It should not be just case, just neglected case of suicide or just medical, just simple death. মই তো একো নালাগে, মহিলা বাচ্চাকে মৰাই দিছে, মই কেম জাষ্টিচ লাগে, এইটোৱে লাগে মইকে। মহিলা বাচ্চাকে মৰাই দিয়া মানুহকে ধৰিবি আৰু তাইকে তাহান কিবি এনেকৈ সাজা দিবি, এইটো লাগে মইকে।